हेलो फैमिली वेलकम बैक टू योर चैनल हिट हैक आइडिया एंड ट्रिक आपका फेवरेट चैनल हिट गाइस रिसेंटली मैंने नाइफ पे एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप कौन सी नाइफ़ खरीद सकते हैं ये वीडियो कुछ उससे रिलेटेड है बिकॉज उसमें मैंने नाइफ़ की रख रखाव के बारे में बताया था बट आज मैं इसका एक्सटेंडेड वर्जन बताने जा रही हूँ पुराने वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन में में कर दूंगी आप वहाँ से देख सकते हैं अभी मैं यहाँ पे फोकस कर रही हूँ इन तीन नाइफ्स में क्योंकि ये रेगुलरली हम यूज़ करते हैं सो गाइस फर्स्ट ऑप्शन है so guys, कि आप कभी भी कोई नाइफ अगर यूज़ करते हैं चॉपिंग के लिए तो उन्हें आप डायरेक्टली स्लैब में ग्रेनाइट के मार्बल के या फिर क्वार्स के जिसके भी स्लैब हैं उसमें नहीं यूज़ उस करें क्योंकि उससे उसकी शार्पनेस ख़राब हो जाती है इंस्टेड ऑफ दैट आप एक चॉपिंग बोर्ड में इन्वेस्ट करें बिकॉज़ दैट इज़ गोइंग टू गिव योर नाइफ अ लिटल लॉन्गर लाइफ एंड एट द सेम टाइम उसके एजेस भी स्मूद रहेंगे और शार्प रहेंगे सो so दैट आपकी चॉपिंग परफेक्ट हो जैसा कि आप देख सक रहे हो मैंने एक चॉपिंग बोर्ड आपके सामने में रखा है उसमें थोड़े से हल्दी के दाग हैं अगर आपको ये क्लीनिंग मेथड भी सीखनी है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं आई जस्ट गिव यू एन आइडिया हम इस नाइफ़ को रेगुलरली यूज़ करते हैं एंड मोस्टली हम इसे शार्प नहीं करते हैं बिकॉज इनकी शार्पनेस अभी तक वैसी है जैसा कि हमने खरीदा था यूजुअली हम ट्राई करते हैं कि विद इन अ ईयर और सो हम इसे शार्प करें नाउ यू विल आज कि इसको शार्प कैसे करें सो so गाइस शार्प करने से पहले हमें ये एनालाइज करना पड़ता है कि नाइफ़ को शार्प करने की ज़रूरत है या नहीं है सो so एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देती हूँ कभी भी आप किसी भी वेजिटेबल को चॉप करेंगे अगर नाइफ उसे बेंड कर रही है ऑन देन चॉपिंग इज हैपनिंग दैट मींस आपकी नाइफ़ को शार्पनेस की ज़रूरत है अनदर वे इज टू डू दिस पेपर टेस्ट आप अपने नाइफ से किसी भी न्यूज़पेपर को कट करने की कोशिश करें अगर आपका नाइफ़ स्ट्रेट इस तरीके से पेपर को कट कर देता है दैट मीन्स इट्स इनफ अगर नहीं कट कर पाता है तो फिर शार्प करने की ज़रूरत है नौ दूसरी चीज़ आप जब भी चॉपिंग करो तो अपने नाइफ को प्रॉपरली क्लीन करो इससे उसके ब्लेड्स शार्प रहेंगे हमेशा और आपको इसे शार्पन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम नाओ आफ्टर चॉपिंग आप जब भी वेजिटेबल को ट्रांसफ़र करते हो चॉपिंग बोर्ड से किसी भी कंटेनर पे आपको ब्लेड साइड से ड्रैग करके वेजिटेबल को नहीं ट्रांसफ़र करना है इंस्टेड ऑफ़ दैट उसका अपोजिट साइड यूज़ करें मतलब नाइफ का अपोज़िट साइड यूज़ करे टू ट्रांसफ़र दी वेजिटेबल्स इस तरीके से ब्लेड यूजलेसली ड्रैग नहीं होगी चॉपिंग बोर्ड में और उसकी शार्पनेस भी बरकरार रहेगी नाओ हाउ डू वी क्लीन इट सो वॉट वी प्रैक्टिस इज़ कि जब भी हम चॉपिंग करते हैं हम अपने साथ एक ग्लास ऑफ ल्यूक वॉम वाटर रख लेते हैं और जैसे ही चॉपिंग कम्प्लीट होती है हम नाइफ को उसमें डिप कर देते हैं विद इन वन और टू मिनट वी जस्ट टेक इट आउट और उसके बाद कम्प्लीटली उसको ड्राई करते हैं किसी भी टाल से सो इससे मॉइस्चर नहीं क्रिएट होता है जिसकी वजह से रस्ट भी नहीं क्रिएट हो पाता है ऑब्वियसली अगर नाइफ की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है तो रस्ट क्रिएट होने के चांसेस नहीं होते हैं बट एट द सेम टाइम अगर आप इसे सिंपल पानी से धो के भी कहीं पे रख दें तो एक टाइम के बाद एक हल्की सी लेयर आने लगती है फ्रॉम वाटर इट अगर आप ल्यूक वम वाटर से नहीं क्लीन कर सकते हो तो आप इसे नॉर्मल वाटर से भी क्लीन कर लीजिए बट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि चॉपिंग के इमीजिएटली बाद ही क्लीन कर ले इसमें आप कुछ भी फूड पार्टिकल्स रहने ना दे नाउ हाउ डू वी शार्पन इट सो so, शार्पन करने के लिए मैंने अपने पुराने वीडियो में भी दिखाया था दैट वी यूज़ दिस कॉम्बिनेशन स्टोन नाउ इस स्टोन का काम क्या होता है फॉर एग्जाम्पल आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको लगता है कि आपकी नाइफ़ एग्जैक्टली सेम सॉर ऑफ चॉपिंग नहीं कर रही है तो आप क्या कर सकते हो कि इसमें सिर्फ एक या दो बार इनकी एजेस को ब्लेड की एजेस को रब करें बहुत ज़्यादा नहीं करना है बिकॉज इट इज़ गोइंग टू अगेन गिव टू मच शार्पनेस टू योर ब्लेड एंड ऐट द सेम टाइम कभी कभी इनके ख़राब होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं आई विल लिंक ऑल दी प्रोडक्ट्स इन द डिस्क्रिप्शन सो इफ इन केस यू वॉन्ट टू विजिट एंड सी यू कैन डेफिनेटली गो थ्रू दैट ना अन अदर थिंग्स सो देट योर नाइफ डज नॉट लूज इट्स शार्पनेस आप कोई भी ऑयल इसमें इनके ब्लेड में रब कर सकते हो जब भी आप वॉश करते हो इसका ड्यूरेशन में वंस इन अ वीक या फिर वंस इन अ फिफ्टीन डेज रख सकते हैं इससे भी आपके ब्लेड्स बहुत ही शार्प रहते हैं और एट द सेम टाइम आपको इसे शार्प करने की ज़रूरत बहुत जल्दी महसूस नहीं होती है ध्यान में ये रखना है कि जब आपकी नाइफ़ की नीड ना हो आपको इमीडिएटली तभी ये प्रोसेस करे बिकॉज दैट विल वर्क मोर एफिशिएंटली एज कम्पेयर टू अगर आपने अभी ऑयल लगाया और अभी चॉपिंग कर दी तो फिर वो ऑयल सारे हट जाएंगे एंड इट इज़ नॉट गोइंग टू गिव द सेम इफ़ेक्ट नाउ हाउ डू वी स्टोर इट सो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपको अपने नाइफ़ को हमेशा ड्राई रखना है सो इफ इट इज़ ड्राई यू कैन कीप इट विथ योर कटलरी बट एट द सेम टाइम आपके कटलरीज भी ड्राई होने चाहिए तो ही आप अपने कटलरी ड्रॉर में नाइफ़ को रख सकते हो नावगाइज़ मार्केट में बहुत तरीके की मैग्नेटिक स्ट्रिप्स अवेलेबल हैं, जिसे आप यूज़ कर सकते हो नाइफ़ को स्टोर करने के लिए यू कैन ऑल्सो ट्राई दिस ट्रिक विच आई यूजली यूज़ जब मुझे बहुत इमिजिएट नीड होती है सो दीजा मैगनेट्स अगर आपके पास ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे मेटल है या फिर आयन है तो आप इन मैगनेट्स को स्टिक कर सकते हो कहीं पर भी और इन नाइफ्स को इस तरीके से भी रख सकते हो सो विद दिस आई एम डन विद द डिस्प्ले ऑफ नाइफ्स आप ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी या नहीं लगी आपके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैं आऊँगी फिर से नेक्स्ट वीक कुछ नया लेके आपके खुद के चैनल में हिट हैक आइडिया ट्रिक तब तक के लिए बाय